है लॉक टाइम चेंबर में, मौत आने वाली है जैसे कैंसर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ डेंजर में, ओमनी किंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मल्टीवर्स में, चलो सामा है लॉक टाइम चेंबर में, मौत आने वाली है जैसे। तो स्वागत है मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सब, जनो लॉक इन टाइम चेंबर के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं, वेजिटा बोलता है ऐसा कुछ बात नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट, यह छोटी मोटी चोट है, इससे हमें कुछ नहीं होने वाला। पर एक बहुत अजीब बात है ग्रैंड प्रिस्ट, तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो, तुम तो खुद एक ईवल और शैतान हो चुके हो, तुम्हें तो इन लोगों का साथ देना चाहिए। अचानक से तुम इतने अच्छे कैसे हो गए और हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट फिर बताता है, असल में वेजिटा ये डीमंस नरक के दरवाजे से आए हैं, जिनमें कोई इमोशंस नहीं होती है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता ये अपने मतलब के लिए मुझे भी मार दे या फिर मेरी ताकत को एनर्जी हाउस के तरह सोखने और एब्जॉर्व करने लगे, क्योंकि मैं तो सर्टेन टाइम के लिए अमर हो चुका हूँ, मुझे पक्का पता है ये लोग मेरे साथ यही करेंगे, वक्त आने पर मुझे बंदी बना के कैद करके रखेंगे और मेरी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्व करते रहेंगे जब भी वे कमजोर होंगे कोई भी दुश्मन से लड़ते वक्त, और ये मैं होने नहीं दे सकता, ऐसे में रोज जीते जी मरूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा और हेल्प करना ही पड़ेगा, मेरे पास सर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर डीमन बोलता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट, पिछले बार की तरह इस बार भी डर के भाग जाओगे क्या। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है डीमन आर्कन, मैं मिलियन साल पहले जैसा था वैसा ही हूँ अभी तक, मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया है, खासकर ताकत में, मुझे कम मत समझना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, जान लो। डीमन जारामा कहता है, हे आर्कन, हम क्या उस डायमेंशन में कैद हो गए तो ये ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया है। एक बात कान खोल के सुन लो ग्रैंड प्रिस्ट, हम तुमसे ताकतवर थे और है और हमेशा रहेंगे। इतने में ही ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से दोनों डीमन पर हमला कर देता है एकदम सुपरसोनिक स्पीड से। सभी कोई ग्रैंड प्रिस्ट की ये ताकत देख के हैरान हो जाते हैं। एक डीमन ग्रैंड प्रिस्ट के वार से बहुत दूर जा गिरता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसा देख के दूसरा डीमन आर्कन ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ आता है, लेकिन वो देखता है कि वो किसी शील्ड या कवच में कैद हो गया है, जिसके चलते कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो वहां से निकल नहीं पा रहा है या आगे नहीं जा पा रहा है। एक्चुअली मैं ऐसा ज़ेनोसामा ने किया अपने ट्रू फॉर्म में जाके, बहुत मिलियन साल पहले ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट इन दोनों डीमन से लड़ चुके हैं और उन्हें अच्छे से पता है इन दोनों डीमन से कैसे निपटना है अब, क्योंकि उन्होंने ठोकर खा चुकी है, कैसे मुकाबला करना है। आर्कन बोलता है, बेवकूफ ज़ेनोसामा, तुम्हें क्या लगता है ये फालतू टेक्निक से मुझे तुम रोक लोगे, ऐसा नामुमकिन है, मुझे तुम ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे, सुन लो ज़ेनोसामा, ये भी कोई एनर्जी से बना होगा कवच, मैं इसे एब्सॉर्व कर लेता हूँ। तो फिर वो डीमन उस कवच की एनर्जी को एब्सॉर्व करना शुरू कर देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो उस कवच की एनर्जी को एब्सॉर्व नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस कवच की एनर्जी को एब्सॉर्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, बेवकूफ, क्योंकि वो कवच कोई एनर्जी से बना ही नहीं है, किसी खास मटेरियल से बना है, खास कर तुम्हारे लिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, और तुम क्या बोल रहे थे डीमन, हम लोग तुमसे डर के भाग गए थे, ऐसा नहीं है, दरअसल हम इसी मटेरियल की तलाश में चले गए थे जो तुम्हारी इस टेक्निक को रेपेल कर पाए। डेमन आर्कन को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो उस कवच पर जोर जोर से मारता है, हमला करता है, लेकिन उसके सारे हमले और वार उस कवच पर कोई असर नहीं होता है और जरा सा भी खरोच तक नहीं आता है उस कवच पर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, कोई फायदा नहीं है डीमन, ये कवच को कुछ नहीं होगा, समझे, चाहे तुम कितना भी हमला कर लो, ये खास कर तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। ऐसा देख के दूसरा डीमन सारामा ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने के लिए सामने आता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी अटैक को तैयार करता है, लेकिन वो डीमन जारामा बहुत तेज होता है, ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक से पहले ही वो हमला कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ी चोट लग जाती है। डीमन जारामा बोलता है,
तुम बिजली बार से ज्यादा ताकतवर तो हो गए हो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे तो यकीन नहीं होता है, लेकिन एक बात जान लो, तुम में अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा लो। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, आखिरकार तुमको किसने कहा कि ये मेरी पूरी ताकत थी? ये तो मेरी 50% ताकत थी, मैंने तो अपने आधे ताकत से तुम्हें ऐसा हाल किया है। जरा सोचो, जब मैं 100% ताकत यूज करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा? रिमन जारमा ऐसा सुन के उसके होश उड़ जाते हैं और कहता है, क्या बस 50% ही ताकत तुमने यूज किया है? ये तो नामुमकिन जैसा लगता है। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, और तुम यही 50% ताकत को लेके मर जाओगे मेरे हाथों। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मुझे अपनी पूरी ताकत यूज करने की जरूरत ही नहीं है जारमा, मैं अपने आधे ताकत से ही तुम्हें हरा दूंगा, समझे? ऐसा सुनकर डीमन सोचता है, मुझे इस ताकत को तैयार करने से पहले हमला करना होगा, लेकिन इसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। और बाकी डीमन अभी तक आए क्यों नहीं? क्या वो सील अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं? हमने तो कहा था बाकी डीमन से, हमारे जाने के बाद तुम सब इस पोर्टल सील दरार पर हमला करते रहना, ताकि ये दरार और बड़ा हो जाए और तुम इस रियल दुनिया पे आ जाओ। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 17 के रोमांचिक वीडियो का इंतजार करें। शुक्रिया।